press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैटर की तीन स्टेट्स कौन सी हैं। हर स्टेट के कुछ उदाहरण देखेंगे और तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर की तीन स्टेट्स हैं। आइए पहले सॉलिड्स की बात करते हैं। आपका कंप्यूटर सॉलिड का एक उदाहरण है। सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज इस बात पर निर्भर करती हैं कि उनके पार्टिकल्स किस प्रकार पैक्ड हैं। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड यानी पास पास एक निश्चित स्थान पर होते हैं और वे मूव नहीं कर सकते, तो सॉलिड्स रिजिड यानी दृढ़ होते हैं। उन्हें दबाया या कंप्रेस नहीं किया जा सकता और इनका आकार और आयतन फिक्स्ड होता है, ये बह नहीं सकते। आइए अब लिक्विड्स की बात करते हैं। उदाहरण के लिए पानी एक लिक्विड है। सॉलिड्स की तरह ही लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज भी इस बात पर निर्भर करती है कि लिक्विड में पार्टिकल्स किस तरह पैक्ड हैं। लिक्विड में भी पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड तो होते हैं, लेकिन उतने क्लोज नहीं जितने कि सॉलिड्स में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड्स में पार्टिकल्स चारों ओर मूव कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड्स रिजिड नहीं होते। लेकिन क्योंकि वे पार्टिकल्स हैं और क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए सॉलिड्स की तरह इन्हें भी दबाया या कंप्रेस नहीं किया जा सकता। उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है। ध्यान दें, बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि लिक्विड्स का आकार निश्चित नहीं होता, इसलिए उनका आयतन भी निश्चित नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। फाइनली आइए गैसेस की बात करते हैं। हीलियम गैस का एक उदाहरण है। गुब्बारों में अधिकतर यही गैस होती है क्योंकि ये हवा से कम घनी और अनरिएक्टिव होती है। अब सॉलिड्स और लिक्विड्स की तरह गैसेस की प्रॉपर्टीज भी इस बात पर निर्भर करती है कि उनमें पार्टिकल्स किस तरह पैक्ड हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स के विपरीत गैसेस के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते, वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए गैसेस रिजिड नहीं होती और ये स्क्वैश या कंप्रेस की जा सकती हैं। इनका ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। ये जहां भी होती हैं पूरी जगह घेर लेती हैं।